मंत्री ने जब ये बात बोली है कि महिलाओं का मंगलसूत्र उसे छीन लिया जाएगा, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो संपत्ति है उस पर डाका डाला जाएगा, ये ऐसी बात है जो सीधे दिल को लगती है और लोग इससे कनेक्ट कर जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये मैनिफेस्टो, क्योंकि मैं वापस उस पर आ रही हूं, क्या ये मैनिफेस्टो और क्या राहुल गांधी का बयान इस तरफ इशारा कर रहा है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप गुमराह कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अजीज खान साहब की बात का जवाब देता हूं। उनने पता नहीं आइडियलिस्टिक बात करने की अच्छी कोशिश करी, पर किस मुख से निकली वो थोड़ा सा सोचना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि तुष्टिकरण पे चुनाव नहीं होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के जनाजे में किस लिए गए थे, फिर किसका वोट मांगने गए थे? वहां पर जाकर के एक ऐसे क्रिमिनल जो 60-60 केस चल रहे हैं, जो 10-10 केसेस में कन्विक्ट हो चुका हो, जिस जो उम्र कैद काट रहा हो, उसके जनाजे में जाकर के खड़े होते हैं, किसके वोट के लिए खड़े होते हैं? और आप यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बड़ी बात करेंगे कि नहीं होनी चाहिए? आपने अपने राज में तो तुष्टिकरण की हदें पार कर दी और फिर यहाँ पर बात करेंगे बड़ी बात? सुचारिता जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमें नहीं है हिंदू मुसलमान से मतलब, ना ही हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। इतने दिन से हम तो मोदी की गारंटी को ही लोगों के बीच में लेके गए और मोदी की गारंटी पर ही लोग तभी पूछ रहे हैं कि आप क्यों ये हम बात? लोग तो कहने वाले हैं, मैं बता देता हूं किस लिए। हम लोग तो कहने वाले हैं कि भाई गरीब की, युवा की, अन्नदाता की, नारी की, चार की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। अब वो गरीब हिंदू और मुसलमान हो कभी नहीं परवाह करी, वो नारी हिंदू और मुसलमान हो कभी नहीं परवाह करी। पर आप लोग अभी सबको एक बार स्क्रीन पे लीजिएगा, मैं आज आपको एक प्रश्न पूछता हूं, अगर एंड तक जवाब दे पाए तो। इस देश में कितने बौद्ध हैं, कितने जैन हैं इस देश में, कितने पारसी हैं, अगर आप डेटा बता पाए तो। क्योंकि आप लोग इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी के वोटों के लिए जब आप रैलियों में जाकर के 6 अप्रैल को राहुल गांधी कहते हैं कि हम सबकी संपत्ति को चेक करेंगे और फिर उसको बांटने का काम करेंगे, और आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, और आप रोहिंग्याओं पर चुप रहते हैं, और आप कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कोटा काट करके हम एक माइनॉरिटी दे देंगे, तो सवाल पूछा जाएगा। आप लोग इस देश में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा, नहीं छोड़ेंगे हम। हम तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी को लोगों का समर्थन है, लोग हमें का साथ देंगे, पर आप लोग अगर तुष्टीकरण करेंगे तो बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। कितने घुसपैठियों को आपने निकाला, कितने रोहिंग्याओं को आपने वापस भेजा, कितने लोगों पे आपने कार्रवाई करी, तो बताओ ना, एक नाम भी बता दो आप। आप ही के नेता कहते हैं, और कांग्रेस पार्टी के समेत पूरे इंडिया अलायंस के किसी भी घोषणा पत्र में आप अप्रीचमेंट की, संतुष्टिकरण की एक मुझे लाइन दिखा देता हूं, एक बता दीजिए। अच्छा, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है, आर्थिक सर्वे करना क्या गलत है? हर बजट से पहले आर्थिक सर्वे कराती है सरकार, और अगर ओबीसी को, आपका दर्द हम जानते हैं, आपका दर्द है ओबीसी को आरक्षण देना, आपका दर्द है ओबीसी का अपलिफ्टमेंट करने की बात करना, इसलिए आप घुमा फिरा के पूरा नैरेटिव बिल्कुल है ओबीसी के आरक्षण के कैप को बढ़ाने के लिए। अभी तक इस चर्चा में उस सर्वे की बात ना आपने ना वरुण जी ने कही कि वो सर्वे क्यों होगा, कैसे होगा, जिसकी बात उन्होंने रैली में कर दी, उसी पर उन्होंने तंज कसा है, आर्थिक रूप से उसी पर उन्होंने हमला बोला है। अरे तो सर्वे बताइए ना, कैसा सर्वे है वो? इसीलिए आर्थिक सर्वे की जरूरत है। सर्वे कैसा है, कैसा सर्वे? आर्थिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, कैसे होगा वो? कराया जाएगा। किसका कराया जाएगा? संपत्ति पता लगेगी लोगों की। जब वो कह रहा है, बात को नहीं घुमा रही, मैं तो समझना चाह रही हूँ असली मूल मुद्दा ओबीसी का है। आप समझा दीजिए ना, किस राज्य में है, कितनी संख्या है और उसकी संपत्ति कितनी है, ये जानकारी यहाँ बात हो रही ना, वहाँ उसी के आधार पे आरक्षण में बदलाव किया जाएगा। मुझे डरे हुए आरक्षण की वजह से है कि ओबीसी को 50% का सर्वे कैसा है भाई, वो सर्वे कैसा है? वरुण जी, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, वो सर्वे नहीं, रुक जाइए, फंस गए भाई, वो सर्वे की बात तो बताइए। आपके नेता खुलकर रैली में कह रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट, वरुण जी से समझ लेते हैं, सर्वे होगा, वरुण जी से समझ लो, ओबीसी का आप नहीं समझा पा रहे ना, वरुण जी से कितना पिछड़ापन है। अरे भाई, ये तो आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, आप कास्ट सेंसस पर आ गए। मैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रही हूँ जो राहुल गांधी ने कहा है। वरुण जी, ये कैसा सर्वे है जरा बता दीजिए ना, आप भी तो बीजेपी को चुप कराइए ये बताकर। हम तो ऐसे सर्वे की बात कर रहे थे, आप लोगों को समझ नहीं आया, बता दीजिए फिर ये कौन सा सर्वे है, कैसे सर्वे की बात कर रहे थे आप लोग, जब आप कह रहे हैं राहुल गांधी के हम ये सर्वे कराएंगे और फिर हम रेवोल्यूशनरी ऐतिहासिक फैसला लेंगे उस सर्वे के बाद, वो क्या है बताइए। सुचारिता जी, आपको ध्यान होगा, कुछ वर्ष पूर्व मोदी जी ने आधार कार्ड से प्रॉपर्टी जोड़ने का प्रोविजन लाए थे, ठीक है ना भाई? मैंने मोदी जी का सवाल नहीं पूछा, वो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे, राहुल जी का सवाल पूछा है, राहुल जी सर्वे करा रहे हैं, कौन सा सर्वे? बता रहा हूँ, राहुल जी मोदी जी तो दो ही तो चला रहे हैं देश को,
देश को राहुल गलतफहमी आप चला रहे हैं। तीसरा आई कौन रहा है? दो चला रहे हैं क्या? तीसरे की बात ही क्या हो रही है? दो चला रहे हैं क्या? कहाँ चलाएंगे देश को? दो ही चला रहे हैं राजनीति भारत। ठीक है, बताइए बताइए, सर्वे बताइए भाई। अभी तो कह रहे हो मेन पॉलिटिकल अपोजिशन है। अब मैंने आपको सोने की बात करी, स्त्री धन की। अभी आज ही जयराम रमेश जी ने क्लियर किया है कितनी महिलाओं का नोटबंदी के बाद आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, कितना सोना निकाल निकाल के बेच के बेचारों को खाना पड़ रहा। ये तो एक आप कह रहे हो ना हम छीन लेंगे। मोदी जी जो जो छीन रहे हैं वो तो बात करोगे ना, ये जो कहते हैं ना मोदी जी उसके बाद वही होता है। अभी जो छीनने की बात करते हैं, अगर दोबारा आ गए तो ये किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे, आधार कार्ड से लिंक करके प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये उल्टा वाला दाव आ गया कि अगर ये आ गए तो ये किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। प्रोफेसर आगे, अब तो ये वो वाला हो रहा है, आपका आपका बयान बनाम मेरा बयान। सुचरिता सुचरिता, जिस ट्रैक पर राहुल गांधी जा रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की वो 13वीं मना करके ही जाएंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक यात्रा के न्यूनतम बिंदु पर आने वाले चुनाव में होगी। चार दर्जन यदि चुनाव जीत जाए, कंस्टिट्यूएंसी जीत जाए, तब भी बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए तमिलनाडु की सरकार ने हिंदू मंदिरों के 5,00,000 किलो सोना, ये मद्रास हाईकोर्ट में एफिडेविट का मामला है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। 5,00,000 किलो सोना हिंदू मंदिरों से छीन करके आरबीआई के साथ जमा किया है। उस आरबीआई से 11 करोड़ सालाना जो है वो इंटरेस्ट आता है। उस इंटरेस्ट के पैसे को किसके कार्यक्रम में लगाया जाता है? क्रिश्चियनों के लिए लगाया जाता है, मुसलमानों के लिए लगाया जाता है और कुछ हिंदुओं के लिए लगाया जाता है। होना तो ये चाहिए था, 20,000 मंदिर हैं तमिलनाडु के अंदर जिनमें सुबह शाम पूजा पाठ नहीं हो रही है, और कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी संस्था है। तो कांग्रेस पार्टी का एक रिश्तेदार जो डीएमके है वो ऑलरेडी हिंदू मंदिरों का हिंदू के गर्दन पर चढ़ चुका है, उनके उनके गले का ये जो बात प्रोफेसर आगे कर रहे हैं, अजीज खान साहब, ये जो बात प्रोफेसर आगे कर रहे हैं, ये बात आज गृह मंत्री ने भी कही। उन्होंने कहा जो मठ और मंदिरों का पैसा है, प्रोफेसर आगे, उन्होंने यही कहा, मठ और मंदिरों का पैसा लेकर और उसके बाद वो, हमने इस पर मद्रास हाईकोर्ट में केस भी फाइल किया था कुछ और प्रोफेसर मिलकर के मद्रास हाईकोर्ट में, और वहां से हम लोगों ने इस पर विजय, ये हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक बात और जिक्र कर देना चाहते हैं, बार बार आप सुचरिता आप कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान मुसलमान होना चाहिए? इस देश में आंशिक तौर पर शरीयत ला लागू है, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। एक बात और, वक्फ बोर्ड का कानून इसी कांग्रेस पार्टी ने लाया, और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की होगी, लेकिन मंदिरों और मठ की जो संपत्ति है वो सब में बांट दी जाएगी। अजीज खान साहब, फिर सवाल है, एक मिनट और, तीसरी बात, बोलिए, जो वर्शिप एक्ट है जो कांग्रेस पार्टी ने 1991 में लाया है, इसका मतलब है कि भारत के हिंदुओं को मिला क्या? उनके हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया और आज भी वो जो हिंदू के छाती पर मूंग दलते रहे, इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? इसका मतलब है कि आप इस्लामिक आक्रांताओं के साथ आप खड़े होने के में आप गौरव महसूस। एक बार अजीज खान जी से पूछ रहे हैं, अजीज खान जी देखिए, ये बात कई बार पहले भी उठी है कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की है, लेकिन जो मंदिरों और मठ की संपत्ति है वो लेकर सब में बांट दो, वो यही सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज ये बात गृह मंत्री ने भी अपने भाषण में उठाई। देखिए बीजेपी, संगीत राजी साहब, ये सब स्तब के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि झूठ ये बोले तो सच्चाई नजर आती है। तो मैं मद्रास हाई कोर्ट में एफिडेविट किया हुआ है, तमिलनाडु की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है, हमने नहीं किया है, ये तरीका नहीं है। अच्छा एक मिनट, उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए, हां बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैंने कह दिया कि झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं कह रहा हूँ संगीत रागी जी, हिंदू और मुसलमान में आपस में दूरियां बढ़ाने में ये मास्टर है, स्पेशलिस्ट है, इनको तो मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। अरे सरकार, ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब से चलता है। गंगा कौन है और जमुनी कौन है की बात करो, हम तो नहीं सुने हैं, गंगा कौन है और जमुनी कौन है? और मोहब्बत की बात से चुनाव एक अलग पार्ट है, मोहब्बत की बात करिए, अपनी उपलब्धियों पे बात करिए, जो आपने 10 साल, आप शरीयत के बारे में बात करें, आप ला इलाही लिल्लाह के बारे में बात करें, और हम सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करें, आप हिंदुओं को तोड़ने, जातियों के आधार पर तोड़ने की बात करें। राहुल गांधी कौन सी जाति है? राहुल गांधी की जाति क्या है? राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? हमारे यहाँ तो गोत्र परंपरा पिता से शुरू होता है। राहुल गांधी के पिता कौन थे? राहुल गांधी के पिता कौन थे? कोई ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा इस देश में? सुनिए मेरी बात,
अरे भाई एक मिनट कम भाई, एक अजीज खान जी, अजीज खान जी, ये पार्टियां जो हैं, तो बोले अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए पहले, आप बोलिए पहले, उसके बाद में जवाब सवाल। सुचिरता जी, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि पिछले 2-3 दिन से जब से ये चुनाव हुआ है, पहला हाँ, फेज आया है हाँ, बीजेपी के जो बड़े नेता जितने हैं उनकी भाषा बदल गई, उनके कहीं ना कहीं क्यों बदल गई है, और आज वो हिंदू मुसलमान पे आ गए, अपने पुराने एजेंडे पे आ गए। अच्छा क्यों बदल गई है, क्यों बदल गई, वो कह रहे हैं भाषा आपकी बदल गई, क्यों बदल गई है अजीज खान जी, क्यों बदल गई है, वो कह रहे हैं हार रहे इसलिए बदल गई है भाषा।